जमाला से यही जानेंगे कि हमारे इमोशंस जो हैं कितना इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को। वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक हमारा प्रोग्राम करने का, वैसे बहुत ज़्यादा आप समझ लें हेल्प अवेलेबल है डिसीजन मेकिंग के ऊपर जब हम सर्च करते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हम बताना चाहते हैं कि हमारे फैसले, जैसे मैंने कहा कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है फैसले करने के लिए, जिसको कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की स्किल्स आप समझ लें कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबल एरिया जब हम यूज़ नहीं करते और हम अपना इमोशनल ब्रेन यूज़ करते हैं फैसलों में, तो फिर हम पछतावे और ये जो गिल्ट रिग्रेट्स की बात कर रहे हैं वो हमारे हाथ आते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या कोई रिलेशन बहुत इमोशनल है, अटैचमेंट है उसके साथ, तो उसके फैसले में भी इन्फ्लुएंस होएगा। जब भी हम किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हों या नेगेटिव फीलिंग्स हों, तो हमारा जो टेक्निकली इमोशनल ब्रेन है, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, वो ओवर एक्टिवेट होता है। ओवर एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि उसकी एक्टिविटी नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा हो रही है ड्यू टू द इमोशनल स्टेट। अब जब वो ओवर एक्टिव होता है, तो बाय डिज़ाइन जो ह्यूमन ब्रेन है, यानी जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, यानी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसका जिम्मा है, जिसकी जिम्मेदारी है फैसले सही करना, वो प्रोसेस नहीं करता, यानी वो एक्टिव नहीं होता, वो छुट्टी पे चला जाता है। इन अदर वर्ड्स, यानी जज्बात हाई होते हैं तो अकल वाला दिमाग ज़रा जो है वो कम हेल्प कर रहा होता है। और ये हमने आम भी सुना होगा कि जो है जज्बात आपकी अकल को ख़त्म कर देते हैं, तो टेक्निकली वो ब्रेन एरिया वर्किंग पोजीशन में नहीं रहता। अब फैसले तो हमें करने होते हैं जब हम जज्बाती हों या ना हों, तो उस स्टेट में इमोशनल ब्रेन आप समझ लें अपनी मदद आपके तहत जंप इन कर जाता है और वो फैसले करता है। अब इमोशनल ब्रेन का कसूर नहीं है, उसको अगर कोई फैसला करना पड़े तो उसके पास एक ही उसूल है कि तुम्हें जो इस वक्त ठीक लग रहा है जस्ट डू इट। जिस ब्रेन के हिस्से ने ये बताना है कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है, ये कर लो, ये तुम्हारे फ़ायदे में रहेगा, जिसने प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, जिसने कॉस्ट एंड बेनिफिट बताना है, सही गलत बताना है, वो ज़रा ऑफ हो जाता है जब हम चार्ज्ड फीलिंग्स के साथ होते हैं, जब हम हाई इमोशंस में होते हैं या डाउन इमोशंस में होते हैं। सो जिसका काम है वो नहीं कर पाएगा, और इमोशनल ब्रेन फिर आपको यानी ड्राइविंग सीट पे आएगा और वो कहेगा कि इस वक्त जो तुम्हें ठीक लग रहा है ना, जस्ट डू इट। एंड अगर हम सब रिकॉल करें अपने फैसलों को जो हम जिस बात तो में आकर लेते हैं, तो बाद में हमें फील हो रहा होता है कि अच्छा ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये हाँ ये हमने ज़रा ज़्यादा खा लिया है, ये खाना नहीं चाहिए था, ये इस तरह से। सो जिस बात हमें पोजेस कर लेते हैं और फिर उनका कसूर नहीं होता। मैं बार बार ये कह रही हूँ, जज्बात बुरे नहीं होते, लेकिन जज्बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो तो फिर ये हमारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन को ऑफ कर देते हैं, और जब वो ऑफ होता है और फिर जो चीज़ हमें किसी को गाली देना ठीक लग रहा है तो हम वो करते हैं, किसी को थप्पड़ मारना ठीक लग रहा है तो हम वो करते हैं, हमें रिश्ते ख़त्म करना ठीक लग रहा होता है तो हम वो करते हैं, हम ड्रग्स को वेलकम अपने जज्बात के इन्फ्लुएंस में कर देते हैं कि अगर कोई मेरा दोस्त है जिसके साथ मेरी बहुत इमोशनल अटैचमेंट है और मैं उसको, वो बहुत इन्फ्लुएंस रखता है मेरे ऊपर, और अगर उसने सिगरेट शुरू कर दी है तो ऑटोमेटिकली इस जज्बात में आकर मेरी भी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो हमारे जज्बात जब हाई होते हैं या डाउन होते हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव फीलिंग्स में भी अकल का कोई काम नहीं रह जाता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जब होती हैं। जज्बात का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, और उतना बैलेंस में रखते हुए हम उनसे ज़रूर एनर्जी को हासिल करें। और यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि जज्बात जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन होंगे तो फिर हमारा जो अकल वाला दिमाग है वो ऑफ हो जाएगा, तो फिर हम सीखते हैं, फिर हम ये नहीं कोसते कि अच्छा इसका डिज़ाइन क्यों ऐसा है। फिर जब हमें इस खसूसियत का पता चल गया ब्रेन की, तो फिर हम आज ही सीखते हैं कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में जब मैं चार्ज फीलिंग्स के साथ हूँ तो मुझे क्या करना है। तो लर्निंग का एरिया जो ब्रेन का है, वहाँ पर फिर हम आप समझ लें कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना शुरू करते हैं कि वेन एवर आई हैव टू टेक डिसीजन अंडर द चार्ज फीलिंग्स, सो हाउ कैन आई डू दैट, हाउ विल आई फॉलो द स्टेप्स जो कि मुझे अल्टीमेटली अच्छी आउटकम्स देंगे।
सो इमोशंस को इन ऑर्डर रखना इंतहाई अहम है व्हेन वी आर टेकिंग एनी डिसीजंस. एक तो इमोशन बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमें. एक सम टाइम हम बहुत बाइस्ड व्यू देना चाहते हैं. बाइसनेस भी जो है जानिबदार हो जाना किसी एक चीज़ की तरफ. और फिर जब मैं इंफॉर्मेशन अपने फैसले के लिए इकट्ठी करूँगी ना तो भी मेरा जो बाइस्ड व्यू है ना वो ज़रा जीत जाएगा. इसको एक टर्म बोलते हैं जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन बाइसेस. यानी मैं रिसर्च ही उस पर करूँगी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा है. और जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि अनबाइज्ड व्यू है मैं उसको इतना ज़्यादा वेट नहीं दूंगी या उसको इतना कंसिडर ही नहीं करूँगी. सो जो मिस इन्फॉर्मेशन है या बाइज्ड व्यू है ये भी हमारे फैसलों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. जैसे बच्चों से वालिदैन को प्यार होता है और अगर बच्चा ऐसी प्रॉब्लम में है जो कि ख़तरनाक है जैसे ड्रग एडिक्शन है या कोई और, तो पेरेंट्स चूँकि बाइस्ड व्यू रखते हैं, मोहब्बत वाला जज्बा रखते हैं अपने बच्चों के साथ, तो अगर उनको कोई आकर शिकायत लगाता है कि जी आपका बच्चा ये कर रहा था, तो वो फॉर सम रीजंस नहीं मानने को तैयार होते. वो अपने बच्चे की उस जो बैड हैबिट है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और इस वजह से फिर वो सही फैसले भी उनके रिगार्डिंग नहीं कर रहे होते. सो दीज आर द इन माई ओपिनियन बेसिक कि एक हम मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, हम बाइस्ड व्यू में जाते हैं. और एक ये जो मैंने ब्रेन की बात बताई कि जज्बात हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हैवीली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे हर फैसले को. इवन खाना दिखने में अच्छा है तो हम जज्बाती होकर ज़्यादा खाते हैं, टेस्ट में अच्छा लगता है तो हम जज्बाती होकर ज़्यादा खाते हैं. रात में जब हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन कह रहा होता है कि इस वक्त मत खाओ, हम तब जज्बात के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा खा रहे होते हैं. तो हमारे ज़्यादा फैसले जज्बाती दिमाग ले रहा होता है, वो दिमाग नहीं ले रहा होता जिसका काम है फैसले करना, बिकॉज वो जज्बाती स्टेट में ऑन जॉब ही नहीं रहता है. और मिस एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहें कि आपने जो फैसला किया है क्या वो रैशनलाइज करके सोच समझ के किए या जज्बात में आके किए, तो उसका एक एक कह लें कि एक थम रूल है कि जब भी आपको रिग्रेट हो फैसला करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए था, जल्दबाजी में हो गया, तो ऑब्वियसली वो उसी तरफ इशारा करता है कि आपने इम्पल्सिव होके या अपने इमोशंस का अपने ऊपर ज़्यादा एक असर लेके आपने फैसला कर लिया.